नमस्कार, मैं रविश कुमार। टीका अभियान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे सफल बनाने के लिए कुछ राज्यों में कुछ दिनों से टीके की रफ्तार कम की गई ताकि टीका बचाकर 21 जून को लगाया जाए जिससे कि नंबर बड़ा लगे। दूसरा, क्या सारा मकसद 21 जून को एक रिकॉर्ड बनाना ही था? अगर नहीं था तो फिर 22 जून को सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया? 22 जून को उसका आधा भी उत्साह नहीं दिखा। उत्साह नहीं था या टीका नहीं था? 21 जून को 4 बजे तक 47 लाख टीके लग चुके थे भारत भर में। 22 जून को करीब 6,23,000 ही टीके लग पाए थे 4 बजे तक। इतने लोगों के मरने और अर्थव्यवस्था के तबाह हो जाने के बाद भी अगर इस अभियान को इवेंट मैनेजमेंट की तरफ पेश करना था तब इसका मतलब यही है कि हम कोविड को लेकर हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सके हैं। उसकी भी विडंबना देखिए कि वो हेडलाइन अब पुरानी पड़ चुकी है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून के लिए समा ही बांध दिया था। उत्सव के उत्साह अनुकूल साज सज्जा की गई थी ताकि वातावरण से भी लगे कि दुनिया का कोई अद्भुत टीका अभियान शुरू हुआ है, राज्य में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इन सजावटों से यह सवाल गायब था कि मुफ्त टीका अभियान तो दुनिया में पहले दिन से चल रहा है, भारत में लेट शुरू होने का ऐसा जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इतना जोश तो 16 जनवरी को शुरू हुए टीका अभियान को लेकर भी नहीं था। मध्य प्रदेश ने एक दिन पहले से ऐलान कर रखा था कि 10 लाख टीका लगाएंगे, लेकिन राज्य ने करीब 17 लाख टीका लगाने का रिकॉर्ड छू लिया। भारत में अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध नजर आने लगा है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा अब फटने लगा है। हर भाई को, इस बहन को, इसी साल हम इस रिकॉर्ड को बना लेने के बाद भी मध्य प्रदेश टीका लगाने के मामले में भारत के राज्यों में 7वें नंबर पर है। रखा है ध्यान और मुफ्त में टीका सबको लगेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश ने एक दिन की इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दिनों से टीका अभियान को धीमा कर दिया था? आखिर जो राज्य एक दिन में 17 लाख टीके लगा सकता है वो एक दिन पहले 692 डोज लगा रहा था, ऐसा क्यों? क्या राज्य ने हर दिन का टीका बचाकर एक दिन लगाया ताकि रिकॉर्ड बन सके? मंत्री कहते हैं हमने जमाखोरी नहीं की। वैक्सीन होल्ड तो नहीं कर रहे थे रिकॉर्ड बनाने के लिए? लोगों क्यों करेंगे, तो मुझे लगता है। अरे ये तो कल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने देखा आपके कैमरे में कैद हुआ है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पहले वाली बातें भी तो कैद हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल नहीं 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 काय के लिए करेंगे। अरे आप खुद बोल रहे हो कि 700 वैक्सीन का डेटा आया है, कहां 16 लाख और कहां 700? तो आप कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन का जमाखोरी नहीं? क्यों क्यों होगी, क्यों होगी, क्यों करेंगे? कल पूरे प्रदेश ने देखा, हमने 14,500 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीन लगाई है, ये सामने देखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कैसे परिभाषित करते हैं फिर, आखिरी सवाल, ये जो डेटा मिसमैच है इसको कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये हम कहीं कोई मिसमैच नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, गलती करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोविन की साइट पर जाएंगे तो वहां पर राज्यों के रोजाना के रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे जिससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में 6 दिन पहले से ही टीका लगाने की संख्या कम होती जा रही है। 14 जून को मध्य प्रदेश में 4,92,633 टीके लगे। 15 जून को टीके की संख्या 39,874 थी। 16 जून को 3,38,847 डोज लगे। 17 जून को 1,24,226 डोज और 18 जून को 14,862 डोज लगे। 19 जून को 22,006 डोज लगे। 20 जून को 692 डोज लगे कोविन की साइट के अनुसार। यह चार्ट बताता है कि रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सही नहीं है। जिस राज्य में 14 जून को करीब 5 लाख डोज दी जाती है वहां अगले कुछ दिनों में डोज की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम हो जाती है और 20 जून को 692 डोज पर आ जाती है। मध्य प्रदेश सरकार अलग से प्रेस रिलीज जारी करती है, उसके हिसाब से भी पैटर्न यही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कोविन के सारे टीके का पंजीकरण है कोविन पर, तो फिर राज्य सरकार का रिकॉर्ड अलग क्यों नजर आता है?